इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रो कबड्डी सीजन 10 के बेस्ट डेब्यूटेंट प्लेयर्स के साथ, ऐसे खिलाड़ी जो कि पहले बार सीजन 10 में खेलने आए थे और पहले ही सीजन में उन्होंने अपना नाम बना लिया, अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया, तो उन प्लेयर्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले। वैसे पुनेरी पलटन पे ही वीडियो बनना चाहिए था क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, तो इसके बाद वाला जो वीडियो वो ऑब्वियसली पुनेरी पलटन पे होगा। ये वीडियो पहले बनाने का मेरा यही था कि सब कुछ कवर हो जाए। सबसे पहले प्लेयर के साथ आए वो यहाँ पे योगेश दहिया है जो कि दबंग दिल्ली के खिलाड़ी है। लास्ट सीजन बहुत ही इंप्रेस किया था और सीजन 10 के MVP है योगेश दहिया और बहुत ही अच्छे डिफेंडर साबित हुए। इनको दबंग दिल्ली ने साइन किया था ऑक्शन से पहले एज ए NYP, नॉमिनेटेड NYP साइन हुए थे योगेश दहिया जो कि राइट कॉर्नर के डिफेंडर है और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी नज़र आए थे। सेकेंड वर्ल्ड जो हुआ था जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में वहाँ पर बहुत अच्छा खेले थे, इसीलिए दबंग दिल्ली ने इनको साइन किया। इनका परफॉर्मेंस आप देख सकते हो दबंग दिल्ली के और इनको 8.78 लाख में यहाँ पर NYP साइन किया गया था। 23 मैचेस में 74 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया और जिसमें 5 हाई फाइव भी शामिल है। और योगेश दहिया बहुत ही अच्छा खेले थे सीजन 10 पहला सीजन में। अगर आप इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो तो इसका यही मतलब है कि आने वाले सीजन में भी आप उस तरीके का परफॉर्मेंस को दोहरा सकते हो। बहुत ही अच्छा खेले दबंग दिल्ली के लिए योगेश दहिया। तो योगेश दहिया सबसे पहले खिलाड़ी है जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और बहुत अच्छा डेब्यू सीजन इनका रहा है। आते दूसरे खिलाड़ी पे, दूसरे खिलाड़ी बंगाल वॉरियर्स के नितिन कुमार है। नितिन कुमार जो कि बंगाल वॉरियर्स की रीडर है, एक सपोर्टिंग रीडर की ज़रूरत थी बंगाल वॉरियर्स को और वो मिल गया उन्हें नितिन कुमार के रूप में। क्या ही परफॉर्मेंस नितिन कुमार ने दिखाया है। मनिंदर सिंह का बहुत ही अच्छा सपोर्टिंग इन्होंने रेडिंग में दिया है, बहुत अच्छा खेले। बंगाल जरूर प्लेऑफ्स में ना जा पाई हो लेकिन नितिन कुमार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। इनको ऑक्शन में कैटेगरी डी के थे, 9 लाख का बेस प्राइस था, 32.2 लाख में इनको साइन किया गया था और 20 मैचेस में 169 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया अपने पहले ही सीजन में जिसमें 8 सुपर 10 भी शामिल है। आप देख सकते हो अगर आप अपने पहले डेब्यू सीजन में ही इतना रेट पॉइंट स्कोर कर देते हो तो कितनी अच्छी बात है और होपफुली बंगाल इनको रिटेन भी करने वाली है अगले सीजन में। और 8 सुपर 10 भी इन्होंने लगाए क्योंकि NYP का आपको पता है 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है आगे, तो नितिन कुमार तब तक रिटेन भी होंगे। आगे भी देखते हैं क्या होता है, नितिन कुमार इस सीजन हमें ऑब्वियसली रिटेन होते हुए नजर आने वाले सीजन 11 में। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा है, 169 रेट पॉइंट्स और मनिंदर के भी बहुत अच्छे रेट पॉइंट्स थे, तो इसीलिए नितिन कुमार भी बहुत ही अच्छा खेले और बेस्ट डेब्यू सीजन हम इनका कह सकते हैं। क्या डेब्यू रहा है, क्या डेब्यू किया इन्होंने प्रो कबड्डी में और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। आते तीसरे खिलाड़ी पे, तीसरे खिलाड़ी यहाँ पे शिवम पटारे है जो कि हरियाणा स्टीलर्स के रेडर है और हरियाणा स्टीलर्स के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है शिवम पटारे जो कि महाराष्ट्र के खिलाड़ी है। और इनको बहुत अच्छा यूज़ किया मनप्रीत सिंह ने, पहले आई थिंक उतारना चाहिए था जब सिद्धार्थ देसाई का इंजरी सीन था लेकिन कभी आए फिर उसके बाद इनको रेगुलर मौके मिले सिद्धार्थ देसाई की जगह में और शिवम पटारे ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हरियाणा को करके दिखा दिया है। शिवम पटारे की जहाँ तक बात है तो शिवम पटारे ने सीजन 8 में एक तो NYP है तो 8.78 लाख में साइन हुए थे, नॉमिनेटेड NYP है। 23 मुकाबलों में 116 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया अपने डेब्यू सीजन में और 3 सुपर 10 भी इसमें शामिल है। शिवम पटारे का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा था, विनय के साथ जो सपोर्टिंग रेडर का रोल है उसको अदा किया है शिवम पटारे ने और हरियाणा स्टीलर्स के लिए एक अच्छे रेडर साबित हुए, एक नया युवा खिलाड़ी और अच्छा परफॉर्मेंस शिवम पटारे ने करके दिखाया। यही खासियत है मनप्रीत सिंह सर की कोचिंग की कि वो हमेशा नए चेहरे को लाते हैं प्रो कबड्डी में और उसमें से शिवम पटारे भी शामिल है। आते चौथे खिलाड़ी पे तो वो सुधाकर एम है पटना पायरेट्स के, आई होप सो सब लोग इनका नाम जानते होंगे। सुधाकर इनका नाम पहले ही फेमस हो गया था प्रो कबड्डी से पहले, इतना अच्छा इनका सीजन गया था युवा कबड्डी का और सुधाकर एम को पटना ने साइन कर लिया था ऑक्शन से पहले, जो कि अपडेट आ रहा था कि सुधाकर साइन होने वाले और पटना ने इन्हें ऑक्शन से पहले ही साइन कर लिया था एज अ नॉमिनेटेड NYP और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस सुधाकर ने दिखाया। सचिन तनवर के साथ ऐसा सपोर्टिंग इन्होंने दिखाया, 8.78 लाख में नॉमिनेटेड NYP का साइनिंग का प्राइस होता है। 19 मैचेस में 103 रेट पॉइंट स्कोर किया जिसमें से 3 सुपर 10 भी शामिल है। सुधाकर एम ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस पटना पायलट्स के लिए करके दिखाया है और सुधाकर एम बहुत अच्छा इनका रेडिंग का फुटवर्क है, बहुत अच्छे स्किल्स लगे मेरे को और ऑब्वियसली बेस्ट डेब्यू सीजन इनका भी रहा होगा प्रो कबड्डी में। ऐसा सीजन बहुत अच्छा रहा था और पटना पायलट्स ने इन पर भरोसा भी बहुत दिखाया और सुधाकर एम होपफुली अगले सीजन भी रिटेन होंगे और बहुत अच्छा भी, रेलवेज के लिए भी फाइनल तक गई जीत नहीं पाई लेकिन सुधाकर एम उस टीम में भी शामिल थे सीनियर नेशनल्स में, तो ये बहुत अच्छा बात है। अब आते अगले प्लेयर, अगले प्लेयर यहाँ पे है अंकित जागलान जो कि पटना पायलट्स की टीम में थे। अंकित जागलान को एज अ लेफ्ट कॉर्नर साइन किया गया था और मुझे याद है इनका ऑक्शन में नाम आया था तो बहुत अच्छा पैसा लगा था अंकित जागलान पे, कैटेगरी डी के डिफेंडर थे, 9 लाख का बेस प्राइस के साथ ये आए थे और अपने पहले ही सीजन में बहुत ही सक्सेसफुल हुए थे पटना पायलट्स के लिए।
अभी वाला जो सीजन 10 हुआ है प्रो कबड्डी में, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया है। इनको ऑक्शन में बहुत अच्छे प्राइस में खरीदा गया था 31.50 लाख में, और 23 मैचेस में 66 टैकल पॉइंट्स इन्होंने पहले सीजन में स्कोर कर लिया है, जिसमें 5 हाई फाइव भी शामिल है। और बहुत ही अच्छा सीजन इनके लिए गया था अंकित जागलान के लिए। जिस तरीके से ऑक्शन में इन पर पैसे लगे, उस प्राइस को जस्टिफाई किया। काफ़ी प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिन पर बहुत पैसे लगते लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर पाते, लेकिन अंकित जागलान ने अपने पहले सीजन में अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई किया और बहुत ही अच्छे NYP साबित हुए हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छे डेब्यू सीजन इनका रहा है अंकित जागलान के लिए। चलते हैं अगले प्लेयर पे। तो अगले प्लेयर यहाँ पे ईरान के रेडर अमीर मोहम्मद जाफर डानिश है। जाफर डानिश ने भी बहुत ही अच्छा सीजन इस बार युमुम्बा के लिए गया। अपना डेब्यू सीजन था प्रो कबड्डी में इस ईरान के रेडर का, और इन्होंने यहाँ पे एशियन गेम्स एशियन कबड्डी में भी खेला था ईरान के टीम के लिए। और युमुम्बा के जो कोच है अली, यहाँ पे गुलम रेजा मजंदरानी सर ने इन्हें ऑक्शन में खरीद लिया था इनकी टीम युमुम्बा ने, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने एज ए रेडर दिखाया। सपोर्ट नहीं मिला वरना एक अलग ही लेवल हो जाता, और 68 लाख में इनको खरीदा गया था। बहुत अच्छा पैसा लगा ऑक्शन में, और 20 मैचेस में 141 रेट पॉइंट स्कोर किया है अमीर मोहम्मद जाफर डानिश ने, जिसमें से 6 सुपर 10 भी यहां पे शामिल है। ये परफॉर्मेंस आप देख सकते हो जो कि एक अच्छा रिकॉर्ड है। 20 मैचेस में आप 141 रेट पॉइंट स्कोर कर देते हो तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है अमीर मोहम्मद का। और उम्मीद है युमुम्बा के लिए अगले सीजन क्या होता है, रिटेन होते हैं नहीं होते है, जो भी सीन है, लेकिन अमीर मोहम्मद ने अपने डेब्यू सीजन में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। चलते अगले प्लेयर पे। तो अगले प्लेयर यहाँ पे आशीष मलिक है, जो कि दबंग दिल्ली के लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर साइन हुए थे। ये भी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में आए थे, और दबंग दिल्ली ने 4 खिलाड़ी को साइन किया था ऑक्शन से पहले, और सारे प्लेयर्स जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के थे। उनमें से एक खिलाड़ी का नाम आशीष भी है, और आशीष लेफ्ट कॉर्नर पे हमें नजर आए थे, कभी कभार विशाल भारद्वाज की जगह देखने को मिले, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया। इनको भी अराउंड 8.78 लाख में एज ए नॉमिनेटेड NYP साइन किया गया था, और 19 मुकाबलों में 48 टैकल पॉइंट स्कोर किया, 4 हाई फाइव भी शामिल था, और बहुत ही अच्छा डिफेंस इन्होंने यहाँ पर टैकल पॉइंट स्कोर किया अपने पहले ही सीजन में। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आशीष मलिक ने यहाँ पे करके दिखा दिया है, और दबंग दिल्ली के लिए एक अच्छे फाइंड हुए इस सीजन के NYP के रूप में। दोनों कॉर्नर्स आशीष और योगेश दहिया का जो कॉम्बिनेशन डुओ था कॉर्नर्स में बहुत ही कमाल का था, और आशीष मलिक का भी उतना ही बड़ा हाथ है जितना अच्छा दबंग दिल्ली को सक्सेस मिला। तो बहुत मैचेस में आशीष ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। आते अगले प्लेयर पे। तो अगले प्लेयर संदीप कुमार है, पटना पायलट्स के रेडर। मुझे याद है ऑक्शन से पहले अपडेट आया था कि नरेंद्र रेडू नए कोच होने वाले, और उन्होंने 2 खिलाड़ियों को साइन किया था। एक खिलाड़ी था वो खेल नहीं पाया था कोई कारण से, लेकिन संदीप कुमार की साइनिंग हुई थी। उसके बाद आया अपडेट कि उस पोस्ट को हटा दिया, फिर ये ऑक्शन में गए, ठीक है। तो अभी तक ये कंफर्म नहीं है मेरे एंड से। संदीप कुमार की जहाँ तक बात है, 8.78 लाख में इनको साइन किया गया था। यहाँ पे आप 9 लाख समझ सकते हो कि ये ऑक्शन में गए थे, साइनिंग के बाद उस पोस्ट को हटा दिया। लेकिन जहाँ तक इनकी परफॉर्मेंस की बात है, 20 मैचेस में 86 रेट पॉइंट स्कोर किया और 1 सुपर 10 भी लगाया। बहुत मैचेस, अब देखो ये 20 मैच पूरा खेले नहीं है, सब्स्टिट्यूट में आए थे, इसीलिए आपको 20 मैच नज़र आ रहा है ये खेले। बहुत सारे रेडर के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि मंजीत दाहिया इस टीम में थे, और मंजीत दाहिया एज अ थर्ड रेडर सेकेंड रेडर खेल रहे थे, बहुत मैचेस में वो नहीं चले, इनको सब्स्टिट्यूट किया, संदीप को लाया, इसीलिए मैचेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा संदीप कुमार ने दिखाया, और कोच साहब का विश्वास जीता, और बहुत अच्छे NYP फाइंड यहाँ पे नज़र आए हैं संदीप कुमार के साथ। बढ़ते अगले NYP खिलाड़ी सोमवीर गोस्वामी के साथ, जो कि युमुम्बा के बहुत अच्छे फाइंड नज़र आए हैं। लेफ्ट कॉर्नर पर नज़र आते हैं सोमवीर गोस्वामी, यहाँ पर बहुत प्लेयर के रूप में यहाँ पर साइन हुए हैं सोमवीर गोस्वामी, NYP नॉमिनेटेड NYP साइन हुए थे। और मुझे याद है जब युमुम्बा के CEO सुहेल चांडोक सर बने थे, उन्होंने कहा था कि एक नया खिलाड़ी सोमवीर करके आएगा, और वही हुआ। गिरीश मारुति इस टीम में एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे, वो चले नहीं, इसीलिए इनका यूज़ किया और बहुत अच्छा खेले। इनको भी 8.78 लाख में एज ए नॉमिनेटेड NYP साइन किया गया था। 10 मैचेस में 44 टैकल पॉइंट स्कोर किया, 4 हाई फाइव शामिल है, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रदर्शन सोमवीर गोस्वामी का रहा है। और पहले ही सीजन में इन्होंने अपना छाप छोड़ दिया है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है सोमवीर गोस्वामी ने, और इसीलिए इनको युमुम्बा ने भरोसा दिखाया, और बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस करके दिखाया लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे, और बहुत सक्सेसफुल साबित हुए थे युमुम्बा के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छे फाइंड हमें नज़र आए हैं सीजन 10 में। बढ़ते फाइनल 10th खिलाड़ी के साथ, जो कि अक्षित धूल है बेंगलुरु बुल्स के। अक्षित धूल ने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कहूँगा, लेकिन डिसेंट सा दिखाया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब टीम के पास नंबर 1 खिलाड़ी ऑलरेडी है भरत
हुड्डा। भरत हुड्डा से जितना भरोसा था उतना उन्होंने पूरा नहीं कर पाए और भरत हुड्डा का आई थिंक इंजरी हुआ था, वो पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए कोच साहब ने अक्षित धूल को मौका दिया। रणधीर सर कोई ना कोई सरप्राइज जरूर देते और वो अक्षित धूल के रूप में दिया। इनको भी नॉमिनेटेड MVP थे, 8.78 लाख में साइन किया, 10 मैचेस में 61 रेट पॉइंट स्कोर किया, एक सुपर टेन ही लगाया। लेकिन अक्षित धूल ने भी यहाँ पे कुछ हद तक, जब मौके नहीं मिल रहे थे बाद में इनको मौका मिला, कोच साहब ने कहा था एक सरप्राइज दूंगा, अक्षित धूल को लाए और इन्होंने कुछ मैचेस में बहुत अच्छा खेला है। अक्षित धूल 61 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया और अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया, हम कह सकते हैं ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस था। अब उम्मीद है कि 10 मैचेस ही खेले, अगर ज़्यादा मैचेस खेले तो बहुत अच्छा प्रदर्शन हो सकता था 100 से ज़्यादा रेट पॉइंट स्कोर करते। 10 ही मैचेस का मौका मिला क्योंकि नीरज नरवाल थे आपके पास, भरत हुड्डा थे, विकास कंडोला थे, तो इनको कम मौके मिले। तो ये थे 10 ऐसे डेब्यूटेंट प्लेयर्स के बारे में मैंने बात किया जो कि अपने पहले ही सीजन में अपना छाप छोड़ दिया है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। आप अपने बेस्ट डेब्यू प्लेयर के बारे में बता सकते हो, आपके हिसाब से कौन ऐसा खिलाड़ी था जो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया पहले सीजन में, आप कमेंट कर सकते हो। और अगला वीडियो यहाँ पे 100% मैं कहता हूँ पुनेरी पल्टन पे होने वाला है, उसके लिए आप वीडियो के लिए आप वेट कर सकते हो। अब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो।